का मकसद डालने का यहाँ पर इसलिए, हालांकि तीन चार है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जो मटेरियल क्वांटिटी जो यूज़ कर रहे हैं इंशाल्लाह आप लोग टेस्ट करके समझ सकते, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो चाय बनती है आसाम की टी से, और इसका पानी का मकसद है मेन पानी और दूध वो वंडरफुल है अल्हम्दुलिल्लाह। जो बोर के पानी से बनाते हैं उसका टेस्ट नहीं रहता कि मीठे पानी से बनती, तो इसलिए इंशाल्लाह अज़्ज़ोजल चाय के लिए टेस्ट करिए आप लोग, इसमें ख़ासियत है इंशाल्लाह मालूम हो जाए। और ऑलरेडी हम लोग होटल वाले ही है, जैसे कि जायका है मंदी वाले अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये सेकेंड होटल है हमारी, ये चाय की है। फ़र्स्ट होटल जो थी हमारी मंदी की थी, और हमारे सलीम बेग साहब का बहुत कॉपरेट रहा अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हीं से इब्तदा शुरू करे थे हम लोग। और तमाम मीडिया वालों का भी शुक्रगुजार हूँ मैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए वक्त निकाल के आप लोग आए सो है अल्हम्दुलिल्लाह। चाय में ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते जो आपके पास ही आके पीना ज़रूरी है? बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल बेहतर है। ये ईरानी स्पेशल है, और इसमें जो दूध रहता अल्हम्दुलिल्लाह वो नंबर वन यूज़ करे सर, जैसे कि बॉक्स का आता पाउडर का दूध भी आता, लेकिन वो यूज़ नहीं करना चाहिए, वो चाय के लिए बेहतर नहीं है। और उसमें जो दूसरे लोग जो मिलाते मिल्क मेड वगैरह वो हम नहीं मिलाएंगे इंशाल्लाह, दूध ओरिजिनल लेके ही हम उतरे सो इंशाल्लाह। नहीं, ये फर्स्ट वन ब्रांच है इंशाल्लाह, अगर अल्लाह चाहा और पब्लिक का सपोर्ट रहा तो हम सेकंड ब्रांच भी डालेंगे इंशाल्लाह।